बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए ललितपुर जिला प्रशासन लगातार लोगों को समझाने का प्रयास करता रहा है, लेकिन अब जब लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो ऐसे में उन पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद भी लोग बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आज तहसील तालबेहट परिसर में नायब तहसीलदार ललित कुमार पांडे ने अभियान चलाते हुए उन पर कार्रवाई की। नायब तहसीलदार ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश के अनुसार तहसील परिसर में बिना मास्क लगाए व अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे लोगों के चालान काट दिए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में अफरा तफरी देखने को मिली। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन लगातार ठोस कदम उठा रहा है, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। तहसील परिसर में बहुत लोग बिना मास्क के टहल रहे थे, बार बार अनाउंस किया जा रहा था, नहीं मान रहे थे, इसलिए एनपीएम साहब के निर्देश से कार्यवाही करनी पड़ रही है। सभी लोगों 100-100 रुपए का चालान काटा जा रहा है सर। अभी तक भी बिना मास्क पहने कितने चालान काटे गए सर? अभी तक लगभग 12 से 13 लोगों कट चुका है और अभी और लोगों काटा जा रहा है। जो भी मिले किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कितने दिन चलेगा अभियान ये? जब तक ये लोग नहीं मानेंगे, जब तक कार्यवाही तब तक होगी जब तक लोग मास्क पहनना शुरू नहीं कर देंगे, क्योंकि इससे कोरोना फैल रहा है और महामारी का रूप ले रहा है, धीरे धीरे बहुत तेज फैल रहा है, कार्यवाही जरूरी है। तालबेहट से सौरभ जैन की रिपोर्ट। मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी, गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी।